हेलो फ्रेंड्स, आज हम हेनरी फील्डिंग की बायोग्राफी और वर्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसकी हेनरी फील्डिंग की एक फेमस नॉवल है जोसेफ एंड्रयू, इस पर भी मेरी बहुत जल्द वीडियो आएगी। तो आज हम इसके हेनरी फील्डिंग की वर्क और बायोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए तो हमें उसके पोइट के बारे में, उसकी बायोग्राफी वर्क को लिखना पड़ता है। तो वो कम से कम 2 पेज का तो होना चाहिए लॉन्ग आंसर में। तो मैंने ऐसे ही दो पेज का आपके लिए लिखा है। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। वह बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, आपको समझ भी आएगा। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। ही इज़ दी 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश नोवल। जो हेनरी फील्डिंग है, इनको 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश नोवल में इनको पार्ट किया गया है। फ्रेंड्स, ही इज़ दी 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश नोवल। हेनरी फील्डिंग को 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश नोवल में का पार्ट बनाया गया है। इनका जो टाइम स्पेन है वो 1772 से 1754 तक का इनका टाइम स्पेन रहा है। हेनरी फील्डिंग वॉज बॉर्न इन 1707 इन सोमरसेट, इंग्लैंड। His father's name was Edmund Fielding. He was a great novelist and playwright. He is also called the father of English novel. इनको father of English novel भी बोला जाता है, इनके नाम से इनको जाना जाता है। It is true that before Fielding, many novelists had written many novels, but none of them deserved to be called the father of English novel. Obviously बात है, इनसे पहले बहुत सारे poet और novelist रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी novels लिखे, पर जो father of novelist का जो किताब है वो इनको दिया गया है। ही प्रिपेयर द थ्योरी ऑफ नॉवल राइटिंग। उन्होंने जो थ्योरी है नॉवल राइटिंग वो भी प्रिपेयर की है। ही मेड इन वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉवल्स। ही मेड द नॉवल एन इफेक्टिव वेपन ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म एंड कलर्ड हीज राइटिंग विद अ वेरी सीरियस पर्पज। ऑन ऑल दिस बेसिस वोल्टर स्कॉल्ट राइटली कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। जो वोल्टर स्कॉल्ट ने इनके बारे में लिखा है, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, बिकॉज ऑफ द हीज कॉन्ट्रीब्यूशन इन नॉवल। ही इज अ पार्ट ऑफ वोल्टर स्कॉल्ट ने इनके बारे में लिखा है, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, बिकॉज ऑफ द हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन नॉवल। ही इज अ पार्ट ऑफ अगस्टन एज नॉवलिस्ट। ये अगस्टन जो एज उसके ग्रेट नॉवलिस्ट और उसे इस एज से ये बिलोंग करते हैं। ऑल्सो ही इज नन फॉर हिज रिच अर्थी ह्यूमर एंड सटायरिटिकल पावर्स एंड अगस्टन एज नॉवलिस्ट। ये अगस्टन एज के नॉवलिस्ट हैं। ऑल्सो ही नन फॉर हिज रिच अर्थी ह्यूमर एंड सटायरिटिकल प्रोवर्स एंड एज द ऑथर ऑफ द कॉमिक नॉवल टॉम जोन्स। ये अगस्टन एज के नॉवलिस्ट हैं। ये अगस्टन अमेरी और सटायरिटिकल प्रोवर्स और जो कॉमिक नॉवल थी जो थोम कार्ट, ये अपने अमीरी के लिए और अपने अर्थी ह्यूमर और जो इनका राइटिंग स्टाइल था स्टाइरिकल प्रोवर्स उनके लिए जाने जाते थे। ऑल्सो ये ऑथर थे कॉमिक नॉवल थोम जोन्स के। हिज नेशनलिटी वॉज इंग्लिश। इनकी जो नेशनलिटी थी वो इंग्लिश थी। हेनरी पीरियड इज 1728 to 1754। हेनरी जैनर आर कॉमेडी सटायर ओपी कार्स क्यू। इन हेनरी फील्डिंग के ये जैनर रहे हैं। नाउ अब हम इनके वर्क के बारे में पढ़ते हैं। गाइज, मैंने ज़्यादा वर्क नहीं लिखे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क लिखे हैं, पर मैंने जो मेन है उनको हाईलाइट किया है। सबसे पहले इनकी जो नॉवल थी वो एमिलिया। ये इट इज अ डोमेस्टिक नॉवल दैट रिलेट्स द टेल ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ अ न्यूली वेड कपल। हेनरी फील्डिंग के ये जैनर रहे हैं। नाउ अब हम इनके वर्क के बारे में पढ़ते हैं। गाइज, मैंने ज़्यादा वर्क नहीं लिखे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क लिखे हैं, पर मैंने जो मेन है उनको हाईलाइट किया है। सबसे पहले इनकी जो नॉवल थी वो एमिलिया। ये इट इज अ डोमेस्टिक नॉवल दैट रिलेट्स द टेल ऑफ द नाउ अब हम इनके वर्क के बारे में पढ़ते हैं। गाइज, मैंने ज़्यादा वर्क नहीं लिखे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क लिखे हैं, पर मैंने जो मेन है उनको हाईलाइट किया है। सबसे पहले इनकी जो नॉवल थी वो एमिलिया। ये इट इज़ अ डोमेस्टिक नॉवल दैट रिलेट्स द टेल ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ अ न्यूली वेड कपल। ये एक डोमेस्टिक नॉवल थी इनकी, और इसमें उनके जो न्यूली कपल थे उनके जो स्ट्रगल्स के बारे में दिखाया गया है। एमिलिया इज़ अ स्टोरी सेट इन लंदन। ये जो नॉवल है ये लंदन में सेट की गई है ड्यूरिंग 1733। दिस इज़ अ हाईली प्रेज नॉवल एंड वन ऑफ द सेमिनल वर्क्स ऑफ लिटरेचर। ये एक वन ऑफ द बेस्ट नॉवल इनकी मानी गई है, और ये मतलब इस नॉवल के लिए इनको बहुत ज़्यादा प्रेज मिली है। सेकंड जो उनकी नॉवल है जोसेफ एंड्रयूज, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस नॉवल है। हेनरी फील्डिंग पब्लिश हिज फर्स्ट फुल नॉवल इन 1742। गाइस, जो ईयर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप प्लीज़ मतलब इन पर ध्यान दीजिएगा। हेनरी फील्डिंग पब्लिश हिज फर्स्ट नॉवल इन 1742 एट अ टाइम व्हेन ही वाज एक्सपेक्टिंग द डेथ ऑफ हिज यंग डॉटर एंड बिलव्ड वाइफ। इन्होंने इसमें पब्लिश की थी, और ये उस टाइम पे पब्लिश हुई थी जब उनकी यंग डॉटर और जो उनकी वाइफ थी उनकी जो डेथ है वो बहुत नियर थी। थर्ड जो नॉवल है वो जो इनकी राइटिंग है, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स। फील्डिंग बिगेन राइटिंग टॉम जोन्स इन 1746 में उन्होंने इसको राइट करना स्टार्ट कर दिया था। इट वाज अ वाइडली एम्बिशियस बुक विच इन अटेम्प्टिंग टू पोर्ट्रे द नॉनसेंस ऑफ रियल लाइफ। इन्होंने रियल लाइफ के जो नॉनसेंस जो है वो उनके बारे में इस बुक में इन्होंने बताया है। उसके बाद अब हमने इसके वर्क और हमने इसका बायोग्राफी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम एक दो जो कोट है, फेमस कोट है, अगर हम उसको लिखेंगे तो हमारा थोड़ा सा आंसर इंप्रेसिव बन जाएगा। तो इसलिए मैंने इनके दो फेमस कोट लिए हैं हेनरी फील्डिंग के। तो वो कोट ये हैं, आई एम कॉन्टेंट दैट इज़ अ ब्लेसिंग ग्रेटर देन रिचेज एंड ही टू होम दैट इज़ गिवन नीड आस्क नो मोर। ये इनका एक फेमस कोट है जो कि हेनरी फील्डिंग ने लिखा है। इनका सेकेंड कोट है, लव एंड स्कैंडल आर द बेस्ट स्वीटनर्स ऑफ टी। ये भी हेनरी फील्डिंग ने लिखा है। सो गाइज, ये थी हमारी वीडियो, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। आई होप आपको, थैंक यू गाइज़।